ऋषियों की अमर वाणी। तो ये था ज्ञान है प्यारे, ये ज्ञान की गंगा है, ये ऋषियों की द्वारा निबद्ध की गई भगवान की लीला है। बाबा तुलसी कहता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनाही बहु विधि सब संता। कौन पूरा कर पाया बोलो, आज तक इसे कोई पूरा न कर सका है न किया जा सकता है, और जो पूरा ना किया जा सके उसी का नाम तो पुराण है ना, पूरा ना। अब क्या सुन रहे हो भागवत महा, आगे बोलो ना, भागवत महा पूरा ना, जिनको कोई पूरा ना कर सके। अच्छा इसके दो अर्थ हैं, एक तो पूरा ना कर सके और दूसरा पुराना कर सके। ये कथा नई भी है और पुरानी भी है। पुरानी इसलिए आज से नहीं 5000 साल पहले से लिखा गया है। ये कथा हजारों साल पहले लिखा गया, फिर भी बड़ी तन्मयता से सुनते हैं आप लोग। कभी किसी का मन किया अरे वही कथा वही भागवत, कितनी बार सुनेंगे, बार बार वही भागवत, साल भर पहले और हुई रही होगी। हाँ आज यहां सुनी कल कहीं और सुनेंगे, अब तो मीडिया में भी सारी व्यवस्थाएं हैं, जो नहीं आ सकते उनके लिए हमने सुंदर दूरसंचार केंद्र रख दिया है, ताकि लोग ना आ सके तो अपने टीवी चैनल पर अपने मोबाइल पर अपने लैपटॉप पर ही घर बैठे कथा का आनंद लेते रहे। हम एक जगह जब उड़ीसा क्षेत्र में कथा दे रहे थे, सघन जंगल वाला क्षेत्र था वो, तो वहां ज्यादा शाम तक कथा हो नहीं पाती थी, कारण कि आज भी वहां हिंसक और वन्य जीव रहते हैं, तो वहां कथा में लोग नहीं आ पाते थे, ऐसे तो बहुत भीड़ रहती थी, हजारों की भीड़ रहती थी वहां। हाँ 500 से ज्यादा माताएं रहती थी और 400-500 से ज्यादा पुरुष रहते थे, भीड़ इतनी कि पंडाल बढ़ाना पड़ जाता था, 3-4 बार पंडाल बढ़ाए तब जाकर के वो पूरा नौ दिन निकला। बावजूद जब पता चला कि जगह नहीं है तो बड़ा प्रोजेक्टर लगाया गया था, याद है ना? कौन सा गांव भरवा, हाँ वो धरी है, आगामी वहां से महापुराण कथा होनी भी है, आगामी वर्ष में भव्य कथा द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना और आपके इसी धमतरी में जो आमा तालाब है, आप लोग गए होंगे अम्बेडकर चौक के पास, वहां भी आगामी वर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा और एक भव्य शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। वैसे भगवत कृपा इस बार ऐसी हो रही है, दास तो हमें कान्हा का, लेकिन कृपा भोले बाबा ज्यादा कर रहे हैं, और लगातार अभी आप सबके आशीर्वाद से दास कथा में जहां भी कथा में गया है, बिरले कोई जगह होगा जहां मुझे नारायण ना मिला हो आगामी वर्ष के लिए, लेकिन 2023 और 24 के मध्य में जितनी जगह मैंने कथा करी है वह एक नहीं 2-3-4-5 नारियल मिले हैं प्यारे, अब तक की यात्रा है, हर जगह का रिकॉर्ड रहा है। अब यहां का तो नहीं कह सकता, यहां तो कल ही विश्राम ले लेगा, अब इतने दिन बीत गए, जब तक सांस है तब तक आस है, लेकिन आज तक की यात्रा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गांव में हमने कोरी भागवत करके आई हो,
नौ दिन के चलते चलते नारियल आ ही जाता है। यहाँ तो श्रोता ही नहीं आ रहे, तो नारियल कहाँ से है महाराज? छोड़ो, आओ तो वेलकम, हम तो एक ही बात कहते हैं, हमारे एक नारा है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। क्या? आओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम। हम तो राजी हैं, हम सब में राजी हैं, कोई सुने तो कोई ना सुने तो, हम तो सुनाने आए हैं और हम दुनिया को थोड़ी सुना रहे हैं, हम तो इनको सुनाने बैठे हैं, हम तो इनको सुनाने बैठे हैं। तो हम कह रहे थे भगवान की कथा इतनी अथाह है कि जिनको मैं ही नहीं कोई भी वक्ता पूरा कर ही नहीं सकता। नौ दिन बीत जाता है फिर भी ऐसा लगता है मानो कुछ कथा और बच गई है, अभी ये कथा हुई ही नहीं। लेकिन जितना